हेलो दोस्तों, सुपरस्टार रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल की एडवांस बुकिंग है आज पूरे देश में स्टार्ट कर दी गई है और फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलते ही इस फिल्म ने करोड़ों रुपए की एडवांस बुकिंग यहां पर कर ली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म की जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग चल रही है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रचने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हमें एनिमल फिल्म के अब तक के टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, जो कि इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म होने वाली है, जिसे कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी बड़ी फिल्में बना चुके डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें रणबीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल एक साथ दिखाई देने वाले हैं। और दोस्तों फिल्म में जितने भी कैरेक्टर होने वाले हैं, चाहे वो रणबीर का कैरेक्टर हो, रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर हो, बॉबी देओल का हो या फिर अनिल कपूर का हो, सभी के कैरेक्टर इस फिल्म में पूरी तरह से लोगों को इंप्रेसिव करते हुए दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि सभी ने इस फिल्म के ट्रेलर ने अपनी और एक्टिंग से लोगों का दिल यहां पर जीत लिया है। और जब ये फिल्म फाइनली 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, तो उस दिन ये फिल्म किस तरह की ओपनिंग लेने वाली है, ये तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर साफ ही पता चलता है कि ये फिल्म अपने पहले दिन काफी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है, जहां पर ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ओपनर फिल्म भी यहां पर बन सकती है। क्योंकि इस फिल्म का लेकर लोगों के बीच में जो क्रेज, एक्साइटमेंट और जो पागलपन है, वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। और ये फिल्म लाइफ टाइम में 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस बिजनेस यहां पर करने वाली है। क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी में बाप और बेटे के रिलेशनशिप को एक एक्सट्रीम लेवल पर जाकर दिखाया जाने वाला है, जहां पर इस फिल्म की कहानी भी लोगों का पूरी तरह से दिल जीत लेगी। और रणबीर कपूर तो इस फिल्म में काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं, तो ऑडियंस का वैसे भी वो पूरी तरह से दिल यहां पर जीतने वाले हैं। अब देखते हैं फिल्म को रिलीज होने में मात्र 5 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है, तो उससे पहले ये फिल्म कितने करोड़ की एडवांस बुकिंग करती है। लेकिन फिल्म ने एडवांस बुकिंग खुलते ही जिस तरह से यहां पर टिकट बेचने स्टार्ट किए, उसे देखकर साफ पता चलता है कि ये फिल्म अपने पहले दिन 45 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग लेने वाली है। ये फिल्म शायद उससे ज्यादा भी ओपनिंग ले सकती है, ये तो हमें फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर इस फिल्म के पब्लिक और या फिर क्रिटिक रिव्यू अगर काफी ज्यादा शानदार निकल कर आ जाते हैं, तो ये फिल्म शायद बॉक्स ऑफिस पर एक नया इतिहास रच दे। इसे आपको क्या लगता है, रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल लाइफ टाइम में कितना बॉक्स ऑफिस बिजनेस करने वाली है, यह आप हमें कमेंट में जरूर बताना। लेकिन अगर बात करें इस फिल्म के अभी तक के टोटल वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म ने इंडिया से हिंदी के 2D वर्जन से अभी तक 3,83,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। वही फिल्म की तेलुगु के 2D वर्जन से अभी तक लगभग 40,00,000 की एडवांस बुकिंग हुई है और फिल्म की तमिल के 2D वर्जन से लगभग 27,850 की एडवांस बुकिंग हुई है। तो फिल्म की ऑल इंडियन एडवांस बुकिंग 4,24,00,000 रुपए की हो चुकी है। बात करें ओवरसीज के बारे में, तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से अभी तक $5,00,000 की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 4,17,00,000 रुपए बनते हैं। तो फिल्म ने ओवरसीज मार्केट से 4,17,00,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कर ली है। तो फिल्म की अपने फर्स्ट डे की वर्ल्ड वाइड एडवांस बुकिंग यहां पर 8,41,00,000 रुपए की हो चुकी है। और अभी तो फिल्म की एडवांस बुकिंग को खुले हुए कुछ ही घंटे का टाइम हुआ है, उससे पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 8,41,00,000 रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन यहां पर कर लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, इस फिल्म का फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन है क्या जवान के फाइनल एडवांस बुकिंग कलेक्शन के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा या नहीं? वैसे आपको रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल का कितना ज्यादा इंतजार है? इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।